फ्रेंड्स, सो दिस वीडियो इज़ टू एनालाइज द रिजल्ट्स. कुछ कैंडिडेट्स ने मेरी लास्ट वीडियो पे कमेंट करके बताया था कि उन्हें रिज़ल्ट समझ नहीं आ रहा है, ये CML क्या होता है और कि कौन सी रैंक को अच्छा माने और किस रैंक पे दे कैन कंसिडर देमसेल्फ फिट फॉर द एडमिशंस. सो मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल लेकर एक्सप्लेन करूँगी दैट हाउ द CML वर्क्स, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया एंड ऑन विच रैंक यू कैन एक्सपेक्ट टू गेट इनटू दिस यूनिवर्सिटी. सो CML इज़ कॉमन मेरिट लिस्ट. तो जिन भी लोगों ने CET दिया था उन सभी का नाम इस लिस्ट में इंक्लूडेड होगा अकॉर्डिंग टू रैंक. तो रैंक हमारी क्या होती है? रैंक जैसे कि आप कोई भी कंपटीशन में पार्ट लेते हो या कोई भी आपकी छोटी क्लासेस में होता था कि द स्टूडेंट हैज़ कम फर्स्ट एंड दिस इज़ सेकेंड एंड दिस इज़ थर्ड, सो दिस इज़ कॉल्ड रैंक. तो जो फर्स्ट वाला स्टूडेंट होता है वो ऑब्वियसली सेकेंड वाले से बेटर माना जाता है. तो अकॉर्डिंगली जिसकी जितनी कम रैंक होगी डैट स्टूडेंट हैज़ स्कोर्ड मोर मार्क्स दैन द पर्सन हु इज़ देयर विद द हाई रैंक. हाई रैंक मीन्स जैसे 1000 में आ रही है आपकी रैंक, तो दैट इज़ हाई रैंक. अगर 1, 2, 3, 4, 15, 20, 25, 50, 60, सो दीज आर कंसिडर्ड द रैंक्स विच आर रिप्रेजेंटिंग दैट यू हैव स्कोर्ड हाई मार्क्स इन CET. सो यहाँ पे जनरल सबके नाम के आगे उनकी रैंक दी हुई है. तो इफ़ यू हैव स्कोर्ड रैंक लाइक आपको पहले देखना होगा कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं जिन्होंने उस एग्ज़ाम में पार्ट लिया है. तो इसमें जिसमें मैंने एग्जाम्पल लिया है MA इंग्लिश का, वहाँ 289 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है. एंड यू ऑल्सो नीड टू सी कि उस कोर्स के कितनी सीट्स अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटी में. तो इस कोर्स के लिए MA इंग्लिश के लिए ओनली 60 सीट्स आर अवेलेबल. तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि टॉप 100 स्टूडेंट्स की जिनकी रैंक आई है टॉप 100, उनको एडमिशन मिलने के चांसेस हैं. टॉप 100 में क्यों कह रही हूँ 60 सीट्स होते हुए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इसमें से ऐसे हैं जिन्होंने किसी और कोर्स का एंट्रेंस भी फिल किया होगा और हो सकता है उन्हें इस कोर्स से ज़्यादा उस कोर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, तो वो यहाँ से अपना एडमिशन विदड्रॉ कर लें या किसी और यूनिवर्सिटी में उनका नंबर आ जाता है तो वो यहाँ एडमिशन ना लेकर कहीं और एडमिशन ले लें. तो फिर जो बाकी के रैंक्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा चांस मिलता है. और ये ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर एडमिशन लेते हैं और कितने नहीं लेते हैं. तो इस पर ही आपका एडमिशन डिपेंड करता है. तो आई होप इससे आपको समझ आ गया होगा कि किस रैंक पे आप अपना एडमिशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड ऑब्वियसली जहाँ 3000 तक बच्चे हैं और आपकी सीट्स अराउंड 1000-1500 तक हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ हमारा उस हिसाब से एडमिशन हो जाएगा. अगर 1500 सीट्स हैं यूनिवर्सिटी में तो और 2000 तक आपकी रैंक आ रही हैं आपके कोर्स के लिए, आपको अपने कोर्स के लिए चेक करना होगा, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ आपके एडमिशन हो जाएगा. तो यू नीड टू चेक आपके कोर्स के लिए कितनी सीट्स हैं यूनिवर्सिटी ने, कितने बच्चों ने अप्लाई किया है एंड आपकी रैंक कहाँ स्टैंड कर रही है. तो उस अकॉर्डिंग यू कैन चेक कि आपके एडमिशन के कितने चांसेस हैं. और यूनिवर्सिटी में मोस्टली कोर्सेज के लिए, जैसे मैंने MA इंग्लिश का एग्जांपल लिया, यहाँ तो एक ही कॉलेज है तो यहाँ पे सीट्स कम है, बट मोस्टली कॉलेजेस के लिए सीट्स काफ़ी होती हैं. तो मोस्ट ऑफ़ द कोर्सेज हैव इनफ नंबर ऑफ सीट्स इन द यूनिवर्सिटी, तो कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाता है. तो बात ये होती है कि हमें अपने प्रेफरेंस का कॉलेज मिले ना मिले, वो आपको तभी मिल सकता है जब आपकी काफ़ी अच्छी रैंक आई है, जैसे कि 100 तक रैंक आई है, या कुछ कोर्सेज में जहाँ बहुत ज़्यादा सीट्स हैं तो आपकी 1000 से कम रैंक आई है. तो होता है कि आपको अपने प्रेफरेंस का कॉलेज मिल जाता है, अदरवाइज़ आपको कोई ना कोई कॉलेज तो मिल ही जाता है, बट हो सकता है वो आपकी चॉइस का ना हो या आपकी जो लोकेशन प्रेफरेंस है उस अकॉर्डिंग ना हो, बट एडमिशन के चांसेस होते हैं जिन कोर्सेज में ज़्यादा सीट्स होती हैं. तो आई होप इससे आपको समझ आ गया होगा कि रिजल्ट का क्या क्राइटेरिया है. और कुछ कॉमन डाउट्स जो कुछ स्टूडेंट्स कमेंट्स में पूछ रहे हैं, आई एम आंसरिंग दैट हेयर ओनली. सम डाउट्स आर रिगार्डिंग द लेटेस्ट मार्कशीट. तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी जो लेटेस्ट हमने एग्ज़ाम दिया था उसका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है. तो जिसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ उससे पहले जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसका रिजल्ट आप अपलोड कर सकते हैं. सपोज़ आपका 6th सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ तो यू कैन अपलोड योर 5th सेमेस्टर रिजल्ट. और अभी कुछ का 12th का रिजल्ट नहीं आया है तो मे बी आपको कोई प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको मिला होगा, कोई लास्ट आपके पास मार्कशीट वैलिड होगी तो आप वो लगा सकते हैं, अदरवाइज़ 11th क्लास की आप मार्कशीट लगा सकते हैं. तो दिस इज़ what I can say about the mark sheet thing. And
ऑल्सो सम स्टूडेंट्स हैव डाउट्स रिगार्डिंग कि उनका गलत सर्टिफिकेट अपलोड हो गया है और कुछ वेरीफाई भी हो चुके हैं सर्टिफिकेट्स, बट उनका सर्टिफिकेट जो अपलोड हुआ था वो सही नहीं हुआ, एंड व्हाट दे शुड डू नाउ, और कुछ है कि कुछ डिटेल्स उन्होंने जो फिल करी थी वो अब सही शो नहीं कर रही है प्रोफाइल पे, या उन्होंने बाय मिस्टेक कुछ और अपलोड कर दिया, कुछ और शो हो रहा है प्रोफाइल पे। तो इसका सोल्यूशन सिर्फ यही है कि आप द्वारका में जो यूनिवर्सिटी का, JGSIPU यूनिवर्सिटी का जो मेन सेंटर है वहाँ विज़िट करके अपनी एप्लीकेशन लेकर जाएं, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आपके कंफर्टेबल है वो एप्लीकेशन आप लें, प्लस ऑल योर डॉक्यूमेंट्स एंड व्हाट इज शोइंग ऑन योर स्क्रीन, योर एप्लीकेशन नंबर, योर CET एडमिट कार्ड, एवरीथिंग यू नीड टू कैरी, एंड जस्ट गो देयर एंड इंक्वायर अबाउट योर डाउट्स, क्योंकि अभी आपका काउंसलिंग का एडिट का ऑप्शन नहीं है, तो दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन विच University is providing, and today is 16, so आपको 18 तक ही काउंसलिंग का लास्ट डेट है, तो आप उससे पहले पहले कर लें। सो विजिट द यूनिवर्सिटी ASAP, as soon as possible, जाकर अपने डाउट्स क्लियर करें, क्योंकि फिर एडमिशन में आपको मुश्किल हो जाएगा। यूनिवर्सिटी विल नॉट गिव द चांस फॉर एडमिशन अगेन, एंड दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग योर डाउट्स, एंड इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट्स पुट इट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर एट देन एंड देयर और इन सम वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और JGSIPU से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स है तो आप एक बार मेरी वीडियोज़ सारी चैनल पर जाके वॉच कर लीजिए, आई होप वहीं से आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। स्टिल नहीं होते तो यू कैन पुट इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड फॉर एवरी अपडेट्स रिगार्डिंग रिजल्ट्स, रिगार्डिंग एडमिशन, रिगार्डिंग काउंसलिंग प्रोसेस, 3 कट ऑफ्स आपकी काउंसलिंग की आने वाली है, तो सबका अपडेट मैं इस चैनल पे देती रहूँगी, तो आप कोई भी अपडेट एडमिशन से रिलेटेड मिस ना करें। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, बिकॉज दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एडमिशंस, एंड DU से रिलेटेड भी एडमिशन की अपडेट्स यहाँ पे आपको मिलती रहेंगी, CUET से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। फॉर एनी काइंड ऑफ एडमिशन अपडेट्स प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, सो दैट यू डू नॉट मिस दिस इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर करियर, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ask them to subscribe too. Thank you so much for watching. I hope this helps, and please put your doubts in the comment section. Thank you so much.